हमारे हाई कमांड ने ये फैसला किया कि इस बार विक्रमादित्य को मैदान में उतारा जाए, तो उनको मैदान में उतारा है और मुझे खुशी है कि एक युवा को उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी है और वो भी शीघ्र ही मैदान में जाएंगे और लोगों के संपर्क में है, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों से जो लोगों लोग चाहते हैं कि यहाँ यहाँ क्षेत्रों का आप दौरा करें, उस तरीके से हमने वो दौरा बनाया है और हम शीघ्र फील्ड में उतरकर इस काम को तेजी देंगे और उस गति से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मीटिंग्स भी शुरू हो रही हैं, किस तरह से कल कोई बैठक है, क्या ये ओवरऑल स्टेट के लिए होनी है? नहीं, ये जो कल की मीटिंग रखी है उसमें मुख्यमंत्री जी भी होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोग हैं जो फील्ड में मायने रखते हैं उनको भी बुलाया है, उनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी, उनको भी कहा जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्र पर बूथ स्तर पर काम करें और एक एक घर आप विजिट करेंगे ताकि हमारी आवाज वो घर घर तक पहुंचाएंगे और जो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से काम किया है उसको लोग मद्देनजर रखते हुए अगले चुनाव में कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस ने बहुत सेवा की है और खास कर हमारा परिवार, माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 4 बार वहां से सांसद रहे, उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किया है उसके बाद 3 बार मैं भी वहां की सांसद रही हूं, लोगों ने मुझे काफी सराहा हमारे कामों को और प्रोत्साहन दिया और जहां जहां भी लोगों की मांगे रही वो मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। लोग मुझे खुश नजर आए कि आप हमारे दुख तकलीफ में हमारे बीच आते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं, तो इसलिए अब ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और 1 जून को हमारी वोटिंग होनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास के कामों को देखते हुए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो हमने काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए, इस बार भी हमें लोगों का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। देखिए ये 2 में थोड़ा हमें विलंब इसलिए हुआ है कि वहाँ पर हम सोच समझ के टिकट देना चाहते हैं कि जहाँ तक हमीरपुर की बात है, क्योंकि बीजेपी के बड़ा टॉल गद्दावर नेता अनुराग ठाकुर जो 5 बार वहाँ से जीत चुके हैं, वो उन्होंने फील्ड में उनको उतारा है, तो उनके खिलाफ हमने किस कैंडिडेट को तय करना है वो माननीय मुख्यमंत्री उस पर कॉल लेंगे और हम सबके साथ बैठक करके जिस पे शीघ्र निर्णय होगा कि किसको वो फील्ड में उतारेंगे। उसी तरह से कांगड़ा की भी जो सीट है उसके लिए भी हमारी काफी विस्तृत तौर से चर्चा हुई है, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जल्दी ही दोबारा बैठक करके इस पे भी निर्णय करके ये टिकटों की घोषणा करेंगे। अब ये देखते हैं किसको वो मैदान में उतारना चाहते हैं और किस पे सबकी सहमति बनती है, उन्हें को टिकट दिया जाएगा। कुल बाय इलेक्शन और 4 सीटों में से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो आप कांगड़ा की बात लें, चाहे हमीरपुर की बात लें, चाहे मंडी शिमला की बात लें, तो लोग ये देखते हैं कि आपके कार्यकाल में जो काम हुआ उनको मद्देनजर रखते हुए अवश्य लोग कांग्रेस का साथ देंगे और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनको जिताकर भेजेंगे। कंगना कितने बड़ी चुनौती है, वो गांव-गांव में जा रही है? ठीक है, वो उनका प्रचार शुरू हो गया है, वो जा रही है, उनका दायित्व भी बनता है कि उनको पार्टी ने टिकट दिया है तो उसके मुताबिक वो दौरा कर रही है, पर उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं, लोगों से हमें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहले भी उन्होंने हमारा साथ दिया है और अब भी मुझे विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे और इस बार हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे।